नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। पिछले 8 दिनों से अधिक समय से चल रही वकीलों की हड़ताल गुरुवार को समाप्त हो गई। बता दें, इंदौर जिला न्यायालय के वकील जिला न्यायालय के 2 जजों के रवैये से नाराज चल रहे थे, जिसके चलते इंदौर अभिभाषक संघ के आह्वान पर इंदौर जिला न्यायालय के सभी अधिवक्ता कार्य से विरक्त रहे। गौरतलब है कि पिछले दिनों इंदौर अभिभाषक संघ द्वारा इंदौर जिला न्यायाधीश के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया गया था, जिसके तहत इंदौर अभिभाषक संघ के आह्वान पर इंदौर के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में काम बंद कर दिया गया था। इंदौर जिला न्यायालय के समस्त वकील अपने काम छोड़ हड़ताल पर चले गए थे। वकीलों का कहना था कि जिला न्यायालय के जजों द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। वहीं इंदौर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश पांडे ने बताया कि हमारी मांग जिला न्यायालय के 2 जज दीपक गुप्ता व विकास शर्मा का ट्रांसफर कराने की मांग पर अड़े थे, जिस पर गुरुवार को जिला न्यायालय के सभी वकील हाईकोर्ट न्यायमूर्ति से मिले। इसमें न्यायमूर्ति गण द्वारा उनकी समस्त समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया गया। वहीं वकीलों ने भी पक्षकारों के नुकसान को देखते हुए अपनी हड़ताल समाप्त कर दी। गौरतलब है कि 8 दिन से अधिक हो चुके वकीलों की हड़ताल पर जिला न्यायालय में आने वाले पक्षकारों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है, जिसके चलते वकीलों द्वारा इंदौर जिला अभिभाषक संघ कार्यालय में साधारण सभा के दौरान हड़ताल खत्म करने का निर्णय लिया गया। लंबी लड़ाई के बाद हड़ताल स्थगित कर दी गई, क्या कुछ कारण रहा, क्या कुछ मांगे पूरी हुई? कारण ये रहा कि जैसे पक्षकारों का जो नुकसान हो रहा था वो सबसे बड़ा कारण था। दूसरा, हमारी बात हाईकोर्ट ने सुनी हमारी और हमारी बात के लिए उन्होंने विचार करके आदरणीय डीजे साहब से बातचीत करके और डीजे साहब हमारी साधारण सभा जो थी उसमें आकर उन्होंने इसका पटाछेप करके और इसको समाप्त करने के लिए बोला कि मैं आपका पूर्ण रूप से सहयोग करूंगा और जो हाईकोर्ट ने बोला है मैं उसका अनुसरण करके काम करूंगा। अभी क्या समस्या जिसकी तक बनी हुई है? जैसा समस्या तो यही है, अपमान की है, बाकी कोई लड़ाई हमारी थोड़ी थी उनसे किसी प्रकार की। बोर्ड के ऊपर से अभद्र व्यवहार नहीं करे हमारा यही था। और वो दो श्रीमान जी दीपक गुप्ता जी और श्रीमान विकास शर्मा जी का यहाँ से ट्रांसफ़र होना था, तो हमें उनके लिए आश्वासन दिया उन्होंने कि इनका ट्रांसफ़र और इनके वहाँ कोई काम नहीं जाएगा और किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, उनके बोर्ड पर कोई भी नहीं जाएगा। दूसरा यह है कि सभी बोर्डों में हमारे संग अभद्र व्यवहार ना हो, अच्छा व्यवहार हो। आपकी समस्या है आप निपटो, हमारी समस्या को जटिल मत करो। आपका परिचय? मेरा नाम दिनेश पांडे है, मैं इंदौर अभिभाषक संघ का अध्यक्ष हूँ। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।